नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम जानेंगे कोरोना वैक्सीन के पहले चरण में किन्हें मिलेगी वैक्सीन। कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर परेशान विश्व के लिए बिहार से अच्छी खबर आई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बिहार में कोरोना के हो रहे सफल परीक्षण के बाद देश के पहले स्वदेशी वैक्सीन का उत्पादन नए साल के आरंभिक दौर में शुरू हो जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और भारत बायोटेक द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन के दो चरणों के परीक्षण की सफलता के बाद तीसरे चरण का परीक्षण पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि पटना एम्स में शुरू हो गया है। देश में तैयार हो रहे वैक्सीन के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कुछ ही सप्ताह में वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में बनाई जा रही वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित होगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। कोरोना के संक्रमण के बचाव हेतु पहले चरण के टीकाकरण को लेकर कोल्ड चेन तैयार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के पहले चरण में केंद्र के मिलने वाले कोरोना वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में एकत्र करने और उसे जिलों तक पहुंचाने को लेकर तैयार है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो पहले चरण के कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर विभाग में उपलब्ध संसाधन पर्याप्त है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में 3 मंजिले भवन में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, जहां पहले से ही विभिन्न टीकाकरण अभियानों के तहत अलग अलग रोगों के लिए वैक्सीन रखे जाते रहे हैं। आपको बता दें कि इस कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 6 लाख वैक्सीन को रखने की है। इसी कोल्ड स्टोरेज से सभी जिलों में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीन वितरण को लेकर बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख हेल्थ वर्कर को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उन्हें राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, कंपाउंडर सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों और निजी अस्पतालों के डॉक्टर एवं कर्मियों को वैक्सीन दिया जाएगा। इसके लिए मुख्य कोल्ड स्टोरेज स्थल से जिलों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य विभाग के 10 आइस लिंक रेफ्रिजरेटर यानी कि ILR उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आसपास के जिलों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी। फिलहाल बिहार सरकार केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन और उसके वितरण के दिशा निर्देश उपलब्ध कराए जाने का इंतजार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिहार में केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाले दिशा निर्देश के अनुसार उसके वितरण की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में कोरोना महामारी के दौरान कार्य कर रहे फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसमें आशा कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मी शामिल हैं। इसके बाद सामान्य जनों को कोरोना वैक्सीन की खुराक देने को लेकर निर्धारित की जाने वाली कार्य योजना के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के पहले चरण के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त क्षमता है। इसमें बढ़ोतरी को लेकर तैयारी की जा रही है ताकि अधिक लोगों को टीकाकरण किया जा सके। बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।